attention, please. Sir, we have the Falcon helmet. So we have the Falcon cars right here, present right now at IMOS, RCB Mall. Very charismatic Arjun Ram Paul, Mr. Siddharth Kapoor, and his lost son, Gurvi Chaudhary. Sir, your presence here is a golden opportunity. We welcome you from the INOX team at RCB Mall. So can we have a small word? How was your experience during the movie or something like that? And this is such a historic movie which no one knows basically in India, the contribution you guys have shown, which is the real story. So can we have few words from yourself. Hi everyone. 1967 war के बारे में हम सभी को कुछ भी पता नहीं था. 1962 war के बारे में हम सभी जानते हैं कि हम हार गए थे. बहुत लोग शहीद हुए थे, लेकिन उसका बदला 1967 में लिया गया था. और आज जो सिक्किम हमारे देश का एक हिस्सा है, वो हमारे पास नहीं होता अगर 1967 war नहीं होता. हमारे बहुत लोग शहीद हुए और हमने चाइनीज को बहुत पीछे धकेला और हमने सिक्किम अपने इंडिया के भाग बना पाए. तो आई थिंक केपी दत्ता की फिल्म है, उन्होंने बॉर्डर बनाई है, एरोस्को बनाई है, अब पलटन लेके आ रहे हैं. हम सभी उनके बहुत बड़े फैन हैं और आप जाइए, फिल्म देखिए, आप सबको बहुत मजा आएगा. इतना ऊपर ऐसे गुरु ने कहा है ऐतिहासिक और के ऊपर बनाए गए हमारे सिपाहियों की जिंदगी कैसी हो, क्या होता है उनके साथ, उन पर क्या बीतती है लड़ाई होती है, उनके फैमिली पर क्या बीतती है लड़ाई होती है. तो यही आपको कल पता चलेगा. नमस्कार. एक ऐसा सफ़र कल हमारे लिए खत्म हो रहा है. एक साल पहले हम लद्दाख में पलटन के लिए भाइयों के साथ काफ़ी मिसिंग है आज. बट 67 की एक ऐसी कहानी जहाँ हमारी जीत हुई थी. बीजेपी साहब के कहानी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई है. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. ये एक ऐसी पिक्चर है जो हर हिंदुस्तानी को देखनी थी, क्योंकि ये पलटन जो थी वो सिक्किम में थी, नथुला में. अगर वो वहाँ पर नहीं होती उस वक्त और वो नहीं करते जो उन्होंने किया, तो हिंदुस्तान का नक्शा बहुत ही अलग होता. जाके देखिए उनकी कुर्बानी, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं खो गई थी, हमसे छुपाई गई थी. और ये जो हमारे असली वॉर हीरोज हैं, उन्हें उनका पूरा क्रेडिट जो उन्होंने काम किया था, जो उनकी जो पूरी एफर्ट थी हमारे लिए, वो कहीं ना कहीं इस कहानी के साथ खो गई. तो जाके रिलीव करिए इन हीरोज को और एंजॉय एंड बी प्राउड टू बी एंड यू विल कम आउट बी रियली प्राउड टू बी इंडिया एंड दैट वी प्रॉमिस फ्रॉम पलटन टू ऑल ऑफ यू. तो लेके जाइए अपनी पलटन को, गो एंड वॉच कर. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड सी यू टुमारो इन द थिएटर्स. ओके सर, अभी तो चाहिए. जा आगे जा, जा मार ले ना, तेरा दुकान है भाई, मार ले. अरे सर आप तो प्रेम, अरे उसका दुकान है, दुकान है तो क्या पूरा प्रेम में आ जाएगा. मतलब तेरा आवाज ज्यादा जा रहा है तो दुकान है तो प्रेम. अच्छा अच्छा, ये दुकान खोल ले सर. साइन तो दीजिए बिफोर आफ्टर सर. सब हाँ सर, हाँ पीछे आना भाई, पीछे आराम से. सर थोड़ा रिफ्लेक्ट आ रहा है सर, थोड़ा ऐसे. हाँ यस सर, परफेक्ट. सर 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 लो सर, बड़ा लो लो सर, आगे आइए. इतिहास पलटन का इतिहास लिखो. बस हो गया सर, इतिहास मत लिखिए, भूगोल भूल जाओगे. अब बस अरे ये क्या सामने सामने के राइट साइड सामने चलो ठीक है.
सर एक पिक्चर विदाउट आईनॉक्स सर वन सोलो सोलो सर सामने यहाँ सर यहाँ पे सर इस वे अरे क्या कर रहे हो अरे आप लोग क्या कर रहे हो इधर हम लोग दो घंटे से दो घंटे मारते मारते खिलाओ बस 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 चाइना को मारते मारते चलो ठीक है अंदर करेंगे अंदर करेंगे चल अंदर करेंगे सर यहाँ पे सर लो से आप सर से आप लो एक राइट यस सीधा स्टेज सर सर स्टेज सर एक मिनट और सर ये राइट से अच्छा बताया सेंटर गुरु सेंटर ओके तीन मिनट चालीस सेकंड कुछ ही समय रह गया रिलीज के लिए जी पूरी पलटन भी नहीं है मिस कर रहे हैं पलटन हाँ कुछ लोग शहीद हो गए इधर यहाँ आते आते तो पहुँचे पहुँचे नहीं तो हाँ तो कल पिक्चर रिलीज़ हो रही है दुबई में रिलीज़ हो चुकी है आज और बहुत अच्छे रिव्यूज़ और ख़बर भी वहाँ से आ रही है दुबई से तो वेरी एक्साइटेड जेपी सर की फिल्म है उनकी ट्रिलॉजी वॉर ट्रिलॉजी कंप्लीट करती है किसी फिल्म मेकर ने ये अचीवमेंट नहीं किया तो उनके लिए बहुत खुश हूँ यू नो और अपने जो अपने भाई लोग हैं जो यहाँ पर जितने आ गए हैं ओके बाकी भी जहाँ पर भी हैं वो भी शायद कहीं और प्रमोशंस कर रहे हैं तो बहुत खुश हूँ कल हम सब ने पिक्चर देखी यू नो पहली बार और वाकई में एक स्पेशल फिल्म बनी है और ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म है या हमारी फिल्म है वाकई में ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है और हर इंडियन को ये फिल्म जाके देखनी चाहिए नहीं वो आज रात को देखेगी उसकी स्क्रीनिंग है फन रिपब्लिक में तो प्लीज आके दबीना के रिएक्शंस ले ले बिल्कुल आप सुन देखिए आपकी लाइट भी चली गई हाँ जी बिल्कुल आज वो रात को देखने वाली हैं और तब आपको रिएक्शन मिल जाएगा लेकिन ट्रेलर का लॉन्च और जो भी गाने आए हैं उनको बहुत पसंद आए हैं आर्मी बैकग्राउंड से हो तो मैंने बहुत उनको जब से मिला हूँ तब से फौज के बारे में बहुत बोला था एंड फाइनली जेपी सर की फिल्म कर ली तब भी लद्दाख से भी उनको इतना कॉल करके फौज के बारे में इतना बताता था जब उन्होंने ट्रेलर देखा तो उनका यही कहना था कि ट्रेलर में ही वो दर्द और नो हमारे जो फौजी भाई जो शहीद हुए हैं वो फील कर पा रहे हैं और जेपी दत्ता की फिल्म है आई मीन इनसे अच्छा फिल्म फौज के ऊपर कौन बना सकता है 1967 वॉर जिसके बारे में हम सभी नहीं जानते जैसे अर्जुन सर ने कहा कि
हमने कल रात को फिल्म देखी है एंड बिलीव मी सिर्फ हमारी फिल्म है इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने खुद काम किया लेकिन हम रो के निकले। वो दर्द आप अपने लिए नहीं, फौजी भाइयों के लिए आप वो महसूस कर पाते हो। और आज क्योंकि एक दिन पहले दुबई में फिल्म रिलीज़ हो जाती है, आज ही ट्विटर पे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। आई थिंक वो मज़ेदार होता है जब एक एक्टर इतनी मेहनत करता है और रिस्पांस जनता को पसंद आता है। दुबई में ये हो गया है, भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूं सबको पसंद आए। ये भी लोग बहुत हो गया है। नमस्कार, तो बंद ही नहीं करता नहीं अभी तो फिलहाल, तो मैंने तो नहीं पढ़ा है, बट एज गुरमीत सेड दैट वहाँ से रिस्पांस सही है और रिस्पांस सही होना ही है क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जो एक ऐसी कहानी जो हिंदुस्तान को जाननी चाहिए, जो 67 में हुई थी, हमारा साथ जो 62 में हुआ था वो सबको पता है, 67 के बारे में किसी को नहीं पता है। तो ये फिल्म के ज़रिए बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है और सबको जानने की दे शुड गो टू द थिएटर एंड ज़रूर वॉच दिस फिल्म, बिकॉज हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, सैनिकों ने बहुत मेहनत की है, JP साहब ने बहुत मेहनत की, हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म, कांट वेट फॉर द रिव्यूज़ नाउ। या जी, तो दुबई के बारे में तो पता नहीं, पर वो रिस्पॉन्स जैसे गुरु ने कहा लग रहा है कि बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं तो रुका हूँ आज रात के लिए, क्योंकि घर पे जो रिस्पांस मिलेगा उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है मुझे। बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि पिताजी क्या कहेंगे, बहन क्या कहेगी, भाई क्या कहेंगे, मामा क्या कहेगी। तो मतलब बट हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम इस फिल्म में काम किए और ये कहानी से जुड़े हम और जो JP सर ने बनाई। और मतलब देश को पता चलना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ था और हो सकता है आगे जाके हमको ये भी पता चल जाएगा। अरे हम लोग भी सामने अजीत सर, यहाँ सामने सर, एक पुलिस आए हो गया रे, झाले रे, स्टैंडिंग सर, स्टैंडिंग सर, स्टैंडिंग स्टैंडिंग में क्या होएगा? हां ठीक है सर, सर सामने सर, राइट में सर, लेफ्ट साइड, अजीत सर, अजीत सर, सर यहां अजीत सर।